रमाई घाटी के साथ जोनसार बावर का एकमात्र संस्कृत शिक्षा का केंद्र परोला स्थित श्री कमल संस्कृत विद्यालय से 35 वर्ष की सेवा देने के बाद शनिवार को आचार्य शिव प्रसाद नोटियाल सेवानिवृत्त हो गए। आचार्य शिव प्रसाद नोटियाल के सम्मान में विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित विदाई समारोह में पहुँच क्षेत्र के सामाजिक लोगों व जनप्रतिनिधियों ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बताते चले कि आचार्य शिव प्रसाद नोटियाल खुद इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं व बतौर प्रधानाचार्य इसी विद्यालय से अध्यापन कार्य करते हुए 35 वर्ष सेवा देने के बाद रिटायर हुए। प्रधानाचार्य पद ग्रहण करते समय विद्यालय में मात्र 5 छात्र संख्या रह जाने के बावजूद उनकी मेहनत, ईमानदारी व लगन से वर्तमान में कमल संस्कृत विद्यालय परोला संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया है। विदित हो कि प्राइवेट स्कूल के रूप में स्थापित हुए कमल संस्कृत विद्यालय को वर्तमान अस्तित्व देने में आचार्य शिव प्रसाद नोटियाल के साथ क्षेत्र के तत्कालीन विधायक बर्फियालाल जुआठा, कृपाल सिंह कैड़ा, लाइवर सिंह चौहान, सुरवीर सिंह चौहान, गोविंद राम नोटियाल, तिलक चंद्र रावत व शोभा राम नोटियाल आदि क्षेत्र के प्रतिनिधियों के सहयोग से विद्यालय को मजबूती देने का कार्य किया। विद्यालय के लिए उपरोक्त महानुभावों के उल्लेखनीय कार्यों की वजह से वर्तमान में 250 छात्र श्री कमल संस्कृत विद्यालय में अध्ययनरत हैं। विद्यालय समिति के अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार राधेकृष्ण उनियाल ने कहा कि कभी दो कमरों के भवन में चलने वाली कक्षाएं वर्तमान प्रधानाचार्य नोटियाल के व्यक्तिगत प्रयासों से 12 कक्षाओं के भवन में संचालित होने के साथ ही क्षेत्र के जौनपुर जौनसा रवाई समेत दूरस्थ क्षेत्रों के 150 विद्यार्थी छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं। यह नोटियाल के व्यक्तिगत प्रयास ही है कि जो आज विद्यालय की ख्याति उत्तराखंड एवं देश के कोने कोने में पहुंची है। आइए जानते हैं एक प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त होने का अवसर क्यों एक उत्सव बन गया। इसका कारण जुड़ा है शिक्षा व रोजगार के समन्वय से व अध्ययनरत छात्रों को औपचारिक शिक्षा के इतर छात्रावास व अनौपचारिक शिक्षा की मिल रही सुविधा है। विदित हो कि आचार्य शिव प्रसाद नोटियाल श्री कमल संस्कृत विद्यालय परोला के प्रधानाचार्य के साथ भारतवर्ष में प्रसिद्ध एक कथा वक्ता है। उनके द्वारा देश भर में अभी तक सैकड़ों कथाओं का वाचन किया गया। उनके कथा वक्ता होने का लाभ विद्यालय को मिला व अध्ययनरत गरीब बच्चों को भोजन व आवाज की सुविधा जुटाने में मदद भी मिली। उनके स्वयं के प्रयासों व देश भर में फैले उनके अनुयायियों के सहयोग से विद्यालय में विभिन्न सुविधाओं का विकास हुआ व विद्यालय संस्कृत शिक्षा का केंद्र बना। आचार्य शिव प्रसाद नोटियाल के विद्यालय से रिटायरमेंट की खबर पुरोला एवं समस्त रमाई घाटी के लोगों के लिए ही नहीं अपितु जौनपुर जौनसार बावर के लोगों के लिए एक सदमे के समान है, क्योंकि आचार्य शिव प्रसाद नोटियाल के पढ़ाई छात्र विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हैं, जो उनकी शिक्षा के लिए समर्पण का फल है। लेकिन सुकून की बात है कि जनता के भारी दबाव व मैनेजमेंट के फैसले व आचार्य शिव प्रसाद नोटियाल की सहमति के बाद वे बतौर व्यवस्थापक श्री कमल संस्कृत विद्यालय को अपनी सेवाएं देते रहेंगे। जैसे ही अध्ययनरत छात्रों ने उनके बतौर व्यवस्थापक सेवा देने की घोषणा सुनी, उन्होंने करतल ध्वनि से इसका स्वागत किया व सभी ने मिलकर तानी गीत लगाकर विद्यालय परिवार व आम जनता की उन्नति के लिए प्रार्थना की। नमो न्यूज के सभी व्यूअर्स को प्रणाम करते हुए मैं आपका दोस्त गजेंद्र चौहान ऐसे गुरु को नमन करता हूँ जिसने अपने शिष्यों के लिए अपना सर्वस्व लगाया। एक विद्यालय जो उनकी निजी संपत्ति नहीं है को विश्व स्तरीय शिक्षा का केंद्र बनाया है। साथ ही दूर दराज से अध्ययनरत को आए छात्रों को कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी। विधायक पूर्व विधायक राजकुमार, पूर्व विधायक राजेश जुआठा, नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन सिंह नेगी, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पीएल हिमानी, व्यापार मंडल अध्यक्ष बृजमोहन चौहान, व्यापार मंडल प्रदेश मंत्री उपेंद्र असवाल, सियाराम नोटियाल, दिवाकर जोशी, जबर सिंह पवार, जयलाल शाह, मेवाराम शास्त्री, दयाराम शास्त्री, भूपेंद्र चौहान, चंद्रशेखर, मनमोहन चौहान, विनोद नोडियाल, सुबोध काला, ओपी नोडियाल, लोकेश उनियाल, दिनेश उनियाल, आचार्य लोकेश बडोनी, आचार्य शांति प्रसाद सेमाल आदि क्षेत्र के कई गणमान्य लोग समस्त क्षेत्र एवं प्रदेश वासियों की 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं।